गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रवि कुमार गिरी आप लोगों के लिए आज नए टॉपिक के साथ फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं क्लास सिक्स के लिए लाया हुआ हूँ एक नया टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो हम लोग नंबर को लिखते हैं या काउंट करते हैं उसका क्या डिफरेंस है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देखिए, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, औंस यानी यूनिट, फिर आता है टेंथ, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड, फिर लाख या लैख भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, फिर टेन लैख, फिर करोड़, फिर टेन करोड़, फिर उसके बाद अरब आता है। लेकिन इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है। आइए देखते हैं हम लोग उसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। औंस यानी यूनिट, फिर टेंथ, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद ध्यान दीजिएगा कि क्या हो जाता है हंड्रेड थाउजेंड। उसके बाद हमारा इसमें लैख नहीं आता है इंडियन सिस्टम में, क्या हो जाता है मिलियन, मिलियन, टेन मिलियन, फिर हंड्रेड मिलियन, फिर बिलियन, फिर टेन बिलियन, फिर उसी प्रकार हंड्रेड बिलियन। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर पड़ता है। हम लोग अगर टेन लैख है तो वो किसके बराबर है, तो वह वन मिलियन के बराबर है। यदि हमारे पास 1 मिलियन रुपीस है तो वह इंडिया में क्या वैल्यू होगा, उसका 10 लाख रुपीस होगा। अगर हमारे पास 10 मिलियन है तो उसका इंडिया में वैल्यू कितना है, इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ का वैल्यू है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, अगर हमारे पास 100 मिलियन है तो वह 10 करोड़ के वैल्यू है उसका, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास 1 बिलियन रुपीस है तो इंडियन सिस्टम में उसको 1 अरब बोला जाएगा। देख लीजिए, बिलियन इक्वल टू अरब, इसीलिए यहाँ पर हमने आपको इस एग्जांपल के साथ आपको समझाया है ताकि कोई त्रुटियां ना रहे। फिर से आप लोग देख सकते हैं 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख या 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़ या 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 100 मिलियन इक्वल टू 10 करोड़ यानी 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन, 1 अरब इक्वल टू 1 बिलियन या 1 बिलियन इक्वल टू 1 अरब। तो कभी आपको चेंज करना दे दे इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम से आपको इंडियन सिस्टम में चेंज करना होगा, तो अगर आपको दोनों सिस्टम याद रहेगा तो आप कभी भी गलती नहीं होगा आपसे, और कभी आप इसको भूलिएगा नहीं, सही तरीके से बना लीजिएगा। तो यही डिफरेंस को आपको देखना था, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बच्चों।